हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स जुलाई 2019 के बारे में। 1 जुलाई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है NS विश्वनाथन। अगला, 1 जुलाई 2019 को 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करने वाली प्रथम IPS अधिकारी कौन बनी है? अर्पणा कुमार कुमार। एक जुलाई 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, GST और GST दिवस। तो याद रखिए, 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। अगला, 1 जुलाई 2019 को से किन दो देशों के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ 6 का आरंभ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच। अगला है, 2 जुलाई 2019 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है? तो यह जायरा वसीम, जायरा वसीम। अगला है, 2 जुलाई 2019 को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया सिल्वर वेल्टर वेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वैभव यादव, भारतीय। अगला है, 2 जुलाई 2019 को नेशनल हाउसिंग बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? शारदा कुमार होटा। अगला है, 2 जुलाई 2019 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल सरकार। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए निशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। अगला है, 2 जुलाई 2019 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन के पहले संयुक्त सुरक्षा का आरंभ इस अभ्यास को किस नाम दिया गया? इस लेक्स 19 19। अगला है, 3 जुलाई 2019 को IBSF स्कूनर विश्व कप 2019 से विजेता है पाकिस्तान, उप विजेता रहा है भारत। अगला है, 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में कितने महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मंजूरी दी है? 6 महीने, भारतीय। 3 जुलाई 2019 को भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया? अंबाती रायडू। अगला है, 3 जुलाई 2019 को विश्व कप क्रिकेट में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? साकिब अल हसन, याद रखिए, साकिब अल हसन, बांग्लादेश के। अगला है, 3 जुलाई 2019 को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के का चेयरमैन ने किसे किया? मनोज कुमार लंबियार। अगला है, 4 जुलाई 2019 को गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में भारत के किस जिले में स्थित पुलिस स्टेशन को पहला स्थान मिला है? राजस्थान का है, बीकानेर जिले के कालू पुलिस थाने को, राजस्थान के बीकानेर जिले में कालू पुलिस थाने को। अगला है, 4 जुलाई 2019 को पेश आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की खोनी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष कितना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करने होगी? 7%। अगला है, 4 जुलाई 2019 को आर्थिक समीक्षा 2019 के घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को कौन से स्थान पर बताया गया? 4th। अगला है, 4 जुलाई 2019 को फेस आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने प्रतिशत लोगों की शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित की गई? 93%। अगला है, 5 जुलाई 2019 को फेस आम बजट 2019-20 में किस योजना के जरिए देश में करीब 100 नए क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई? स्फूर्ति। अगला है, 5 जुलाई 2019 को पेश आम बजट 2019-20 में रक्षा के लिए कितने आवंटित के लिए कितना आवंटन किया गया? तो 3.19 लाख करोड़। अगला है, 5 जुलाई 2019 को पेश आम बजट 2019-20 के अनुसार 1 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि निकालने पर कितना प्रतिशत TDS लगेगा? तो 2%। अगला है, 6 जुलाई 2019 को पग मोबाइल गेम को बैन करने वाला 5वां देश कौन बना है? जॉर्डन। अगला है, 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में कौन सा शहर शामिल किया गया? जयपुर।
अगला है 6 जुलाई 2019 को जारी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर आया? 86वें। अगला है 6 जुलाई 2019 को नारद सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो है अच्युतानंद साहू। अगला है 7 जुलाई 2019 को फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता है? यूएसए नीदरलैंड को हराकर, यूएसए ने नीदरलैंड को हराकर। अगला है 7 जुलाई 2019 को वार्षिक वनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? तेलंगाना में। अगला है 7 जुलाई 2019 को 9वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता? ब्राजील ने पेरू को हराकर। अगला है 8 जुलाई 2019 को ओडिशा सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रत्येक माह कितने रुपये देने का फैसला किया? 10,000 रुपये। अगला है 9 जुलाई 2019 को किसने 30वीं समर यूनिवर्सिटी गेम्स में 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? दूती चंद। अगला है 9 जुलाई 2019 को बुकियान फिल्म फेस्टिवल में नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? गली बॉय ने। अगला है 9 जुलाई 2019 को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख रूप में किसे नामित किया गया? राहुल द्रविड़ को। अगला है 9 जुलाई 2019 को विश्व कप 2019 में सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला है 10 जुलाई 2019 को BSNL का CMD किसे नियुक्त किया गया? PK पुरवार। अगला है 10 जुलाई 2019 को नगर विमानन निर्देशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार को। अगला है 11 जुलाई 2019 को दक्षिण के प्रसिद्ध किस अभिनेता का निधन हो गया? तो है अमित पुरोहित। अगला है 11 जुलाई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है 12 जुलाई 2019 को 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लंदन में। अगला है 12 जुलाई 2019 को विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? अंशुला कांत भारतीय। अगला है 13 जुलाई 2019 को विंबलडन के पुरुष तथा एकल महिला खिताब किसने जीता है? तो ये क्रमशः नोवाक जोकोविच सर्बिया की सीमोना हालेप रोमानिया के। अगला है 14 जुलाई 2019 को प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप खिताब किस जीतने वाले दूसरे कप्तान कौन बने? केन विलियमसन न्यूजीलैंड के। 14 जुलाई 2019 को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया? बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के। 15 जुलाई 2019 को US क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? किरण मोरे। अगला है 15 जुलाई 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व कौशल दिवस। अगला है 15 जुलाई 2019 को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? कलराज मिश्रा को। अगला है 16 जुलाई 2019 को बिहार सरकार ने ऋतिक रोशन अभिनीत किस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है? सुपर 30 को। तो याद रखिए ऋतिक रोशन अभिनेता की ये फिल्म है सुपर 30। अगला है 16 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के लिए रोजाना कितने तीर्थ यात्रियों को बिना वीजा आवागमन पर सहमति जताई? 5,000। अगला है 17 जुलाई 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला है 17 जुलाई 2019 को चीन ने श्रीलंका को उपहार में कौन सा युद्ध पोत दिया? 625। अगला है हमारा 17 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिस्टीन लेगार्ड के इस्तीफा के बाद अंतरिम प्रमुख किसे नियुक्त किया? अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड लिप्टन। अगला 17 जुलाई 2019 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसको वर्ष 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया? तो है सोनल मानसिंह को। अगला 17 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल में सवर्णों गरीबों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो है 10%। अगला 18 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस क्रिकेट बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने में नाकामी के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया? जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड। अगला 18 जुलाई 2019 को तमिलनाडु सरकार ने किन 2 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? तेनकासी और चेंगलपेट को। अगला 18 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने सैन्य ऑपरेशन और युद्ध में शहीद होने वाले सुरक्षा बनों और सेना के जवानों परिवारों को आर्थिक सेना के जवानों के परिवारों की आर्थिक सहायता में दी जाने वाली राशि को 25 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 करोड़। अगला 18 जुलाई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह नेल्सन
नेल्सन मंडेला दिवस। अगला 18 जुलाई 2019 को एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 2% से घटाकर कितना कर दिया? 7%। अगला 18 जुलाई 2019 को यूरोपीय संघ आयोग का नया अध्यक्ष किसे ने चुना गया? तो है उर्सुला वॉन डेर लेन, जर्मनी के। अगला 18 जुलाई 2019 को ताबोर एथलेटिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? हेमा दास। अगला 19 जुलाई 2019 को ISF जूनियर विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? सरब जोत सिंह। अगला है 19 जुलाई 2019 को ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय कौन बने? सचिन तेंदुलकर। अगला है 20 जुलाई 2019 को हेमा दास ने चेक गणराज्य में नावे मेस्टोनाट मेटोजी ग्रांड प्री में महिलाओं कितने मीटर स्पर्धा में महिला स्थान हासिल किया? 400 मीटर। अगला है 20 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के वेटरन पिन अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? पूर्व एथलीट्स को। अगला है 20 जुलाई 2019 को पनामा में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र सिंह रावत को। अगला है 20 जुलाई 2019 को इजराइल में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार श्रृंगला को। अगला है 20 जुलाई 2019 को दिल्ली के किस पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हो गया? शीला दीक्षित को। अगला है 21 जुलाई 2019 को LGP सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया। वे कहाँ से वर्तमान सांसद थे? समस्तीपुर से। अगला 21 जुलाई 2019 को राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? विवेक कोहली। जुलाई 2019 का अस्ताना में आयोजित प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? शिवा थापा। अगला 21 जुलाई 2019 को मिस्टर साउथ एशिया का खिताब किसने जीता? रविंदर कुमार मलिक ने, भारतीय है। अगला 22 जुलाई 2019 को किस शक्तिशाली रॉकेट से मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया? GSLV Mark 3। अगला 22 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अजय भादु। अगला 22 जुलाई 2019 को उड़ीसा के कटक में आयोजित 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने किसे हराकर खिताब जीता? इंग्लैंड को हराकर। अगला 22 जुलाई 2019 को रॉयल पोर्टस में किसने अपने पहले गोल्ड खिताब के साथ ब्रिटिश ओपन में जीत हासिल की है? सैन लोरी आयरिश ने। अगला 23 जुलाई 2019 को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना? बोरिस जॉनसन। अगला 23 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 27%। अगला 23 जुलाई 2019 को ICC द्वारा जारी की गई टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? विराट कोहली। अगला 23 जुलाई 2019 को संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? गायिका एम सौम्या को। अगला 23 जुलाई 2019 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला 24 जुलाई 2019 को अमेरिकी सीनेट ने किस रक्षा सचिव नियुक्त किया? तो है मार्क एस्पर। अगला 24 जुलाई 2019 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर आया? 52। अगला 24 जुलाई 2019 को 6ठे बंगाल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीता? क्रमशः अभय सिंह तन्वी खन्ना ने। अगला 24 जुलाई 2019 को भारतीय टेबल टेनिस टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? डेजान पापिक कनाडा को। अगला 25 जुलाई 2019 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किस भारतीय को गृह सचिव नियुक्त किया? तो प्रीति पटेल। अगला 25 जुलाई 2019 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल शीर्ष कंपनी भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला 25 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो है श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अगला 25 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो यह अजय कुमार भल्ला। अगला 26 जुलाई 2019 को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस। याद रखिए कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 26 जुलाई 2019 को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता है। अगला 26 जुलाई 2019 को एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में बिजली उत्पादन के उन्नतीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो है 1925 करोड़ रुपए।
अगला है 26 जुलाई 2019 को किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका के गेंदबाज लसित मलिंगा। अगला है 26 जुलाई 2019 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? येदुरप्पा। अगला 26 जुलाई 2019 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सुनील कुमार को। अगला 26 जुलाई 2019 को ब्रिक्स देशों में के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रियो द जेनेरो ब्राजील में। अगला 27 जुलाई 2019 को पांचवा धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? राजगीर में। अगला 28 जुलाई 2019 को जर्मन ग्रैंड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने सेबेस्टियन बेटल को हरा। अगला 28 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। अगला 29 जुलाई 2019 को प्राकलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ग्रीस वाप्टा को। अगला 29 जुलाई 2019 को विश्व भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगला 29 जुलाई 2019 को किस विषय के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो है इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। अगला 29 जुलाई 2019 को मोहन भागवान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? सांसद किशुन बनर्जी और केशव दत्त को। अगला 30 जुलाई 2019 को विठल रादडिया का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व सांसद थे? गुजरात के। अगला है हमारा 30 जुलाई 2019 को कोलंबिया का पहला टूर डी अवार्ड किसने जीता है? ईगन वर्नल ने। अगला 30 जुलाई 2019 को किसने यूएस में पीपल्स च्वाइस अवार्ड जीता है? सुदर्शन पटनेक ने। अगला 30 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेना के अगले सैन्य संचालन महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 1 अक्टूबर से। अगला 30 जुलाई 2019 को की गई घोषणा के अनुसार 44वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? मेरिल स्टीव को। चलिए ये थी जुलाई करंट अफेयर्स 2019।